Hey guys, welcome to my channel WB Free Math Solution. This is Sanjana Giri. We have already completed chapter 13, exercise 13.2, question number 11. Okay, factorization of algebraic expression, that is बीजगणितीय संख्या राशियों का उत्पादक में विश्लेषण. हम लोगों ने ये 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. सो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 12 से बताऊंगी आप लोगों को. सो गाइज, आज हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे. ओके, इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अभी तक यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिससे आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग घर पर आसानी से बना सकोगे. ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 2a⁶ माइनस 13a³ माइनस 24. ओके, तो इतना ज्यादा अभी तक में तो हमें स्क्वायर स्क्वायर वाला मिल रहा था, अब ये 2a⁶ यहाँ पे 6 मिल रहा है. इससे आप लोग घबराना नहीं, बस उसी तरह हमें स्क्वायर के रूप में ही पहले इसको लिखना होगा, उसके बाद हमें बनाना होगा. कहने का मतलब है हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 2a⁴ ये होल स्क्वायर ऐसे माइनस 13a³ माइनस 24. यानी इसे हमें पहले स्क्वायर के रूप में लाना ही होगा. ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया था कि 2 और 24 ये सबसे इसका नंबर दोनों का ये मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो हम लोग चलो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. यहाँ 24 टू जा होता है 48. ठीक है, तो 48 का हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फैक्टराइजेशन. ठीक है, सॉरी एलसीएम निकालना होगा. तो एलसीएम निकालते हैं 24, फिर 2 12, फिर 2 6 3. तो हमें यहाँ पे कितना लाना है, आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ हमें 13 लाना है. हमें इस तरह से लाना होगा प्लस माइनस करके कि हमें यहाँ 13 किसी तरह लाना ही होगा. तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा कौन कितने कितने नंबर लेने पे हमें 13 आ रहा है, ये हमें पहले देखना होगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं. 3 टू जा 6, 6 टू जा 12. यदि हम 12 और इधर से 4 ले लेते हैं तो हमारा कितना हो रहा है, 16 हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं लेना होगा. और सबसे पहले सबसे बड़ी बात है यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ इतना ध्यान रखना कि यहाँ माइनस ही करना पड़ेगा, प्लस तो करना नहीं होगा. ठीक है, काउंट करें, ये करेंगे हम लोग 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16. और इधर से यदि हम 3 को माइनस कर दे तो हमारा यहाँ 13 आ जा रहा है, यानी 16 और एक 3 लेना होगा. ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 2a⁴ द होल स्क्वायर माइनस 13 के जगह पे हमें क्या लिखना है, 16 माइनस 3a³ माइनस 24. ओके, फिर उसी तरह से 2 यहाँ क्यूब माइनस 16a³ माइनस 3a³ माइनस 24. यहाँ देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जब इंटर करता है साइन चेंज कर देता है. ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ प्लस था सो यहाँ माइनस हो गया. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, हमारा ए क्यूब कॉमन है, तो हम यहाँ ए क्यूब हम निकाल लेंगे. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए क्यूब और एक 2 भी कॉमन है, तो हम 2a³ को कॉमन निकाल लेते हैं. क्या बच रहा है, सिर्फ ए क्यूब बच रहा है. ठीक है, और 2 8 जा 16 होता है, इतना हुआ. ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ से 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 8 3 जा 24 आ जाएगा, यानी 8a³ - 8. ओके, अब एक इसमें से ले लेते हैं, यानी a³ - 8 और एक हो जाएगा 2a³ + 3. अब आप लोग देखो यहाँ हमारा आंसर नहीं होता है, यहाँ भी हमें फिर से फैक्टराइजेशन, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ये हो गया, ये हमारा आंसर यहाँ नहीं आया. क्यों, क्योंकि अभी आप लोग ध्यान से देखो तो ये जो a³ - 8 यहाँ दिया हुआ है,
एक क्यूब माइनस एट ए का पावर क्यूब और यहाँ पे टू का पावर क्यूब हो जाएगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पे इसको हम बैठा सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पे हमें इसको करना होगा इसे। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं। तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ अलग से बना दे रही हूँ क्योंकि यहाँ अच्छा नहीं लगता है, एक टर्म में अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस टू टू दी पावर क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने ये चैप्टर 13 स्टार्ट करने से पहले मैंने फॉर्मूला दिया था, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने फॉर्मूला लर्न कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए इंटू टू प्लस बी स्क्वायर यानी टू टू द पावर टू का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, रुको मैं फिर से बना देती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी ए इंटू टू प्लस बी स्क्वायर यानी टू टू द पावर स्क्वायर। ओके, तो अब क्या हो गया यहाँ ए माइनस टू और यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस फोर। ठीक है ना, इजी, ये फॉर्मूला बहुत ही इजी होता है ए स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो अब हम इसके जगह पे हमें क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं ए माइनस टू और ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस फोर और ये वैसे का वैसे ही लिख देंगे, यानी टू ए क्यूब प्लस थ्री। यदि इसका भी होता ना तो हमें इसका भी करना पड़ता, लेकिन यहाँ टू का क्यूब तो होता नहीं है, यहाँ एट था इसलिए एट टू का क्यूब होता है, एट तो मैंने कर दिया, थ्री का भी नहीं होता है, सो ये वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। अब हमारा ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो गाइज होप आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी तरीका से मैंने समझाया है। और इसे ध्यान रखना, बस यहाँ पे जो हमें करना है, यहाँ एलसीएम निकालना है, ये निकालना ही होगा आपको। ये करने के लिए यहाँ पे इसके जगह पे क्या हम दो नंबर लें कि हमारा ये पूरा कंप्लीट हो, मिडिल टर्म फैक्टर का यही रूल होता है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो मैं क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा हल्का बता दे रही हूँ, थोड़ा सा बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को इसमें डाउट क्लियर हो जाए और आप लोग अपने से बना सको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने यहाँ पे लिखा है, सो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने यहाँ लिख दिया है। पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 45 इंटू 8 होता है 360। ठीक है, तो 360 का पहले हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो 180 हुआ, फिर 2 से कितना होगा, यहाँ पे 90 होगा, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, 3 से 5। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या लाना है, 2 लाना है, यानी कि हमें माइनस करके यहाँ पे 2 लाना है। अब क्या क्या नंबर लेंगे कि हमारा ये 2 आ जाए, देखना यहाँ पे ध्यान से। यहाँ 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24 यदि हम लेते हैं, और इधर से 5 थ्री जा 15 लेते हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, यदि 5 थ्री जा 15, 15 थ्री जा यहाँ पे सोचो यहाँ 45 हो गया, यानी 45, और यहाँ 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 2 नहीं आएगा। ओके, अब हम क्या लेकर चलते हैं, यदि हम इस तरह से करते हैं 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, अच्छा देखते हैं हम 20, और इधर 3 जा 9, 9 टू जा 18, देखो आप लोग यहाँ 20 माइनस 18 यदि करेंगे तो हमारा 2 आ जा रहा है, यानी हमें क्या लेना होगा यहाँ से 20 माइनस 18। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेंगे उसी तरह से, पहले तो इसको ये लिखना होगा कि 8 ए का स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 45, उसके बाद यहाँ हमें इस तरह से करना होगा 8 ए स्क्वायर होल स्क्वायर,
उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, 20 माइनस 18, 2 के जगह पे मैंने लिख दिया, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस 45। ठीक है, तो इस तरह से इसको फिर मल्टीप्लाई करके और हमें यहाँ से निकाल देना है आंसर। लेकिन यदि फिर भी आप लोग देखना यहाँ, यदि फिर से ए स्क्वायर का फॉर्मूला पे, यदि मान लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे यदि आ रहा है तो हमें फिर से करना होगा। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे आ रहा है तो नहीं करना होगा, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे यदि आ जा रहा है क्वेश्चन, ये लास्ट में आंसर आ रहा है, यानी सपोज ये ए स्क्वायर हुआ और यदि 4 आ गया इस तरह से, तो हमें इसका भी फिर से इसको फिर से तोड़ना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे बना लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ एक ही टाइप का 14 से लेकर और 16 तक ये सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। यदि मैं एक इसमें से बता दूंगी तो आप लोग आसानी से ये कर पाओगे। ठीक है, तो चलो पहले तो थोड़ा इसमें बता दे रही हूँ, 14 या 15 में से कोई एक बता दे रही हूँ और 16 में बताऊंगी। ठीक है, तो चलो इसमें से कोई एक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने लिखा है यहाँ पे, 3 इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b माइनस 8। ओके, तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, a प्लस बी द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारा माइनस 2 या ओनली 2, अभी देखो तो 2 सिर्फ कॉमन है यहाँ पे, तो हम पहले 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। जब माइनस कॉमन निकल जाता है तो साइन चेंज हो जाता है अंदर का, यानी ये भी प्लस और ये भी प्लस, यानी a प्लस बी हो गया माइनस 8। अब देखो यहाँ भी a प्लस बी द होल स्क्वायर है और यहाँ भी a प्लस बी द होल स्क्वायर है। यदि हम इसे कुछ मान लेते हैं, लेट a प्लस बी द होल a प्लस बी इक्वल टू, यदि हम x मान लेते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जा रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कितना इजी हो गया ना। अब इस तरह से हमें ये मिडिल टर्म फैक्टर हमें निकालना है और उसके बाद क्या करना है, ये x का वैल्यू यहाँ पे जो कि है a प्लस बी, उसको हमें पुट कर देना है, बस हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, बहुत इजी। उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 भी है यहाँ। 14 में आप लोग देखो तो दिया हुआ है 6 इंटू एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 15। यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ भी x माइनस वाई हो जाएगा, तो फिर यहाँ x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, तो क्या करेंगे हम, यदि x माइनस वाई को कुछ भी मान लेंगे, सपोज m n o p कुछ भी, जो भी मानना है आप लोग मान लेना, और तब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, यदि हम m मानते हैं तो 6m स्क्वायर माइनस m माइनस 15 हो गया। फिर बहुत ही इजी तरह से ये हमारा इसको हम फैक्टर निकाल लेंगे, मिड टर्म फैक्टर के रूप में आ जाता है, उसके बाद हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है 6 इंटू यहाँ पे दिया है a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 6 इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसे हम लोग लिख के बनाते हैं, इसे बहुत ही ईजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ बहुत ही इजी है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसे, 6 इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस 6 इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक a प्लस बी है और एक a माइनस बी है, यहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी हमें इसे कुछ यदि मान लेते हैं और इसे भी कुछ यदि मान लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो यदि हमने इसे a प्लस बी को हमने मान लिया x, लेट a प्लस बी इक्वल टू x एंड a माइनस बी इक्वल टू y, सो क्या हो जा रहा है हमारा यहाँ पे, वी गेट 6x स्क्वायर प्लस 5x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर। हो गया ना इजी। अब इसे हमें क्या करना है, उसी तरह से मिडिल टर्म फैक्टर निकालना है। पहले तो 6 जा 36 होगा, ठीक है 36 का पर, उसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, 2 से पहले ले जाते हैं, 2 से 18
फिर 2 से 9, 3, 3, ओके। अब यहाँ पे हमें 5 लेना है, 5 लाना है, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा यहाँ 5 आए, तो उस तरह से हमें इसको पहले सेट करना होगा कि हमारा यहाँ पे 5 आए, फिर हमें आगे बढ़ना होगा। तो यदि हम यहाँ पे देखो आप लोग कि 3 3 9 और 2 2 4 यानी 9 - 4 यदि हम करते हैं तो हमारा 5 आ जा रहा है, ओके। तो हम यहाँ 9 - 4 लेंगे, ठीक है, 6x² + 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 9 9 - 4, ओके, 9 - 4x (y - 6y², ओके, 6x² + 9xy (+-4xy - 6y², ओके। अब यहाँ इसमें से हमारा क्या कॉमन है ये हम देखेंगे, एक तो x कॉमन है और क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, ओके, 3x कॉमन है, तो यहाँ बचा हमारा 2x प्लस अब यहाँ 3 3 9 यानी 3y हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी उसी तरह हम लिख लेंगे 2x + 3y, ठीक है, 2x + 3y लिख लेते हैं। तब यहाँ हम देखेंगे कि हमारा यहाँ क्या कॉमन है, एक माइनस वाई तो जरूर कॉमन है, यहाँ पे 2 भी एक कॉमन है, तो 2 2 4 एंड +3y, ओके, 3 2 6 होता है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। तो यहाँ 3x - 2y एक हुआ और एक हो रहा है 3x - 2y, है ना, इजी, बहुत इजी है, बस देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है कैसे बनेगा, तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही इजी है, इतना हम कर लेंगे, उसके बाद हम a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम a और b का वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी मैंने a और b बोल दिया था, x = a + b और y = a - b, हम लोग अब वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लिखते हैं सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y वी गेट 3 × a + b, ओके, तो ये a प्लस बी हुआ, -2 × y दैट इज a - b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर 2 × x दैट इज 2 × a + b प्लस 3 × a - b, ठीक है। अब ये इंटर कर रहा है अंदर, यानी 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3a + 3b - 2a - - + दैट इज 2b, ओके, और यहाँ 2a + 2b + 3a - 3b, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ 3a और 3a से हम -2a करेंगे तो हमारा सिर्फ a बचेगा, और +3b + 2b दैट इज +5b होगा, ओके। और एक क्या है यहाँ पे, आप इसमें देखो कि 2a + 3a दैट इज 5a, और यहाँ देखो तो 2b से 3b को हम माइनस करेंगे तो हमारा b बचेगा, लेकिन आप यहाँ पे देखो 3 के आगे माइनस है, इसलिए साइन जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन दिया जाता है, सो यहाँ पे -b हो जाएगा, ओके, -b, 3 > 2 दैट्स व्हाई वी राइट हियर माइनस, ओके। सो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, ओके। तो गाइज आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में भी आया हो। सो गाइज प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।